राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ प्रैक्टिशनर डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब्स पर हमारे सभी चाहने वाले फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत वीडियो लेक्चर के माध्यम से वेरियस डिजीज पर जो है चर्चा कर चुके हैं। आज हम किसी डिजीज को ना लेकर के इलेक्ट्रोमोपैथी से अच्छे परिणाम, औषधियों से अच्छे परिणाम हम कैसे प्राप्त करें, इस पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। हमारी औषधियाँ कैसे होनी चाहिए, कैसा हमारा व्हीकल होना चाहिए, कैसा मटेरियल होना चाहिए, इस विषय पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपनी औषधियों का अच्छा परिणाम अपने रोगियों पर कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त करना चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा एक बार फिर करेंगे। साथियों, ये बातें जो है पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं, हो सकता है वो इससे वंचित रह गए हों, तो आज एक बार फिर हम जो है माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त करें। तो आइए साथियों, वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, औषधि का जो है अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ में जब हम अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात हमारे पास जो व्हीकल के रूप में आरएस है या डिस्टिल वाटर है, वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे साथी जो है आनन फान में जहाँ तहाँ से भी जो है अवेलेबल हो जाता है उसको उठा लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि या तो औषधियाँ उस व्हीकल में टिक नहीं पाती हैं, या अपना जो है वो औषधीय प्रभाव जो है वो खो देती हैं। तो एक अच्छी उत्तम क्वालिटी का, अच्छी श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का डिजिटल वाटर और आरएस व्हीकल के रूप में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, जो हम डीप और हमारे क्लिनिक के लिए जो तैयार करते हैं साथियों, जो हमारी बोतलें होती हैं उनको अच्छी तरह से साफ कर लें, कोई कूड़ा करकट उसके अंदर ना हो, पानी डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह से उसको साफ कर लें, उसके बाद ही जो है उसमें अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करके जो है वो किट कंप्लीट करें। देखिए साथियों, हमारे यहाँ पर जो है औषधियाँ तैयार होती हैं, तो हम उसके अंदर जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है डिस्टिल वाटर और आरएस हम लेकर के उसमें आते हैं, क्योंकि आरएस हम ज़्यादा इसके अंदर जो है नहीं मिलता है, तो बहुत कम मात्रा में लाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसे हमारी औषधियाँ जो है 2 साल 3 साल तक भी जो है वो ख़राब नहीं होती। बहुत कम चांस होते हैं जो एक आध उसमें जो है, हो सकता है एक आध जो है वर्मी फ्लू वगैरह जैसे है कई बार उसमें दिक्कत आ जाती है, बाकी खराब होती नहीं है इतनी जल्दी से, और अपना औषधीय प्रभाव भी जो का तो उसके अंदर बना रहता है। हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन तैयार होती है वो इसी अच्छी क्वालिटी के डिजिटल वाटर में और आरएस में, चाहे वो हमारा सर्जरी की सेंस है या फिर हमारा जो है पेटेंट मेडिसिन है, सब के अंदर जो है हम वही उत्तम क्वालिटी का जो है उसके अंदर व्हीकल में लाते हैं, जिसे दवाइयों की गुणवत्ता
जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो साथियों दूसरा जो है, अब हम दवाई का जो है पेशेंट को कैसे दें। तो साथियों सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रोमोपैथी मेडिसिन्स के अंदर जो है औषधियों के अंदर माइक्रो मोलिकुल्स होते हैं साथियों, छोटे छोटे टुकड़े जो है ना औषधियों के गुणों के उस पर जो है औषधियों के छोटे छोटे जो है पीस उसके अंदर होते हैं, हल्के हल्के से बिल्कुल माइक्रो दिखाई नहीं देते हैं। तो साथियों ऐसे औषधियों को अगर स्वच्छ साफ मुँह से दवाई रोगी को दी जाए तो वो तुरंत अपना असर दिखाती हैं। क्या होता है कि हम पेशेंट को तो बोल देते हैं कि आपने ये सुबह दोपहर शाम या दिन में चार बार जो भी है आपने दवाई लेना है, लेकिन रोगी जो है उसको ऐसे ही ले लेता है, खाना खाया उसके ऊपर ले लिया या खाना खाने से कुछ और खा करके ले लिया, तो जिसे मुंह उसका जो है साफ नहीं होता। इसलिए मुंह को स्वच्छ करके, अच्छी तरह से स्वच्छ करके औषधियों का सेवन करना चाहिए। और दूसरा जो है अच्छा परिणाम लेने का जो एक सावधानी और जो बरतनी है वो है साथियों खाली पेट। इलेक्ट्रोमोपैथी की औषधियाँ जो है खाली पेट बहुत अच्छा जो है अपना व्यापक प्रभाव दिखाती हैं, लेकिन साथियों खाली पेट कितना होना चाहिए, खाली पेट इतना होना चाहिए कि ज़्यादा भूख ना लगी हो, क्योंकि जब भूख की तीव्रता बढ़ जाती है उस समय हमारे स्टोमक के अंदर एक केमिकल बनता है साथियों HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं साथियों, वो तीव्र रूप में हो जाता है उस समय में। खाली पेट में अगर हम वो औषधियाँ ले लेते हैं तो वो औषधि जो है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जा करके नष्ट हो जाती है, वो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाती है, और परिणाम क्या होता है कि हम मायूस हो जाते हैं कि औषधियों ने काम नहीं किया। तो ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कम भूख लगी हो और जो है कलेजा कटता ना हो, तब रोगी को जो है वह दवा लेनी चाहिए, ऐसे हमें जो है रोगी को निर्देश देना होगा। और यदि ऐसी अवस्था में कोई मान लीजिए सपोज कीजिए कि आवश्यकता आन पड़ती है कि खाली पेट है और दवाई देना जरूरी है, तो साथियों ऐसी अवस्था में रोगी के टंग्स पर जो है दवा डालें, ना के पानी में मिला करके रोगी को पिलाएं। ऐसी अवस्था में टंग्स पर जो है औषधि को डाल दें, वो भी उतना ही तीव्र काम करती है। अगर खाना खा लिया है, खाना खाने के एक घंटा बाद, साथियों देखिए खाना खाते ही अगर हम तुरंत दवाई लेते हैं तो वो भी अपना असर नहीं दिखाती है। जब खाना एक घंटे के अंदर जो हजम होने लगता है, पाचन उसका होने लगता है, तब जो है एक घंटे के बाद में जब अगर हम दवा को देते हैं तो वो दवाई भी जो है अपना तीव्र प्रभाव जो है दिखाती है, क्योंकि उस समय जब हमारे भोजन से जो है पोषक तत्व न्यूट्रिशन वगैरह जो है हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होने लगते हैं, तो उस अवस्था में अगर हम दवाई लेते हैं औषधि लेते हैं तो वो भी बहुत जल्दी असर बॉडी के अंदर दिखाती है। और खाना खाने से पहले यानी 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, लगभग 15 से आधा घंटा पहले आप दवाई रोगी को दे सकते हैं, ज़्यादा भूख ना लगी हो ये ध्यान रखना आवश्यक है। और साथियों जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनके कलेजे में हाइपर एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट आता है कहता है कि डॉक्टर साहब की कलेजे में जलन हो रही है, आग सी लग रही है, तो ऐसी अवस्था में जो है रोगी को जो है पानी के अंदर वहीकल के अंदर जो है मेडिसिन ना दे करके सीधे टंक्स पर उसको डालते रहे बार बार। साथियों हमने देखा है कि जैसे हमारी S10 है, C15 है, YE है, इसको यदि हम 5-5 बूंदे टंक्स पर डाल दें तो साथियों 15 मिनट में तुरंत आराम हो जाता है हाइपर एसिडिटी गैस वाले पेशेंट को। और हम ऐसा ही करते हैं, कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो इस प्रकार से अगर आप औषधि डालेंगे तो तुरंत उसको रिलीफ मिलेगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। तो ऐसी इस तरह से अगर हम दवाई देते हैं तो हमारी दवाइयाँ जो है अच्छे परिणाम वो देंगी।
एक खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है हम दवाई देते हैं, उसके भी हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो कुछ मामलों में हो सकता है कि आपातकालीन स्थिति आ जाए, अचानक इमरजेंसी आ जाए, जैसे कैंसर की कैंसर का दर्द है, कैंसर पेन है, अबडोमन पेन है, या जो है एक्सीडेंट वगैरह यदि कोई होकर के चोट लग गई है उसका पेन है, तो ऐसी अवस्था में हमें जो है साथियों सीधे टंग्स पर दवा डालनी चाहिए और बार बार डालनी चाहिए। बिल्कुल माइक्रो डोज है जो है रोगी को दें और बार बार उस दवा को देते रहे जब तक उस जो है प्रॉब्लम से जो है हमें निजात नहीं मिलती है, तब तक वो औषधियाँ रोगी को देते रहे। कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि कब तक दवाई देनी होगी, 5 मिनट पर, 10-10 मिनट पर कब तक दवाई देनी होगी। साथियों ये कोई पूछने का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको भी खुद पता होना चाहिए, कुछ अपना स्वविवेकानुसार भी जो है काम करना चाहिए कि जब तक पेशेंट को रिलीफ ना मिले तब तक आप उसको रिपीट टू रिपीट करते रहे, और जब उसको रिलीफ मिलने लगे तो उसको दिन में जैसे भी रिक्वायर्ड होती है रोगी की, 3 बार या 4 बार रोगी को हम दवा दे सकते हैं। तो साथियों इमरजेंसी में भी आप जो है इसमें टंग्स पर आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग गुटखा तंबाकू पान चबाते हैं खाते हैं, ऐसे रोगियों को जो है ब्रश करा करके, ऐसा रोगी कोई हमारे पास आता है तो उसको बोले कि पहले आप ब्रश करें, ब्रश करने के बाद ही आप औषधि का सेवन करें, और उसके आधा घंटे तक कोई भी आप किसी प्रकार का मसाला, 1 घंटे तक कोई भी मसाला पान या जो भी है कोई भी जो ऐसा नशीला तत्व ना लें आप, ऐसा उसको निर्देश हमें देना चाहिए। तो साथियों ये थी कुछ खास बातें एक इलेक्ट्रोमोपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए, जिसको अपने जीवन में ये अगर अपनाएं तो हमें 100% सफलता मिलती है। इसके साथ साथ साथियों रोगी का खान पान, उसका लाइफस्टाइल भी परिवर्तन कराना जरूरी है। दवाई कितनी अच्छी देते रहो आप, अगर वो खान पान या अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा तो उसको फिर वो प्रॉब्लम जल्दी से जो है उसको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं ना आदि जो है आदि व्याधि, तो आदि चीज़ें जो है वो परहेज करने से ही ठीक हो जाती हैं आदि बीमारी, तो और बाकी जो है हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी ठीक कर देती है। तो इस प्रकार से साथियों जो है हमने सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोपैथी की जो औषधियां हैं, जो इलेक्ट्रोमोपैथी है वो वनस्पति पौधों पर आधारित एक जो है हमारी चिकित्सा विज्ञान है। इस औषधि में सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की जो है अद्भुत क्षमता होती है, आप ये मत भूलिएगा। तो शर्त ये है कि बस दवा जो है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कई साथी हमसे पूछते हैं सर मेरे पास जो है किट कोई और किट है, दूसरी किट है मेरे पास में, आप मुझे जो है कुछ औषधियाँ मेरे पास शॉर्ट पड़ गई है वो औषधियाँ आप हमें दे दीजिए। तो साथियों ऐसे साथियों को मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि वो एक किट जो है ना वो एक ही क्वालिटी की खरीदें, अलग अलग ना खरीदें। अब क्या पता उन्होंने किस रेशियो से मेडिसिन को तैयार किया है, हमने हमारे यहाँ किस रेशियो की मेडिसिन है, तो उसमें तो वही काम हो जाता है, जैसे कहते हैं ना वो भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो ऐसे में जो है ये जो मिक्स कर देते हैं तो उसमें भी जो है वो दवाई अपना असर नहीं दिखाती, अच्छी तरह से जो है पूरा आराम नहीं रोगी को दे पाती है, इसलिए एक ही क्वालिटी हो। हाँ ये हो सकता है कि ऐसे जैसे एक लाट की आपके पास में औषधियाँ गई हुई है, हमारी फार्मेसी की औषधियाँ आपके पास में गई हुई है और उनमें से शॉर्ट पड़ जाती है, हमारे साथी हैं बहुत से साथी हैं जो उसके बाद कई कई बार जो है जो शॉर्ट पड़ जाती है औषधियाँ वो बार बार मंगवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास पहले हमारी ही जो है मेथड की बनी हुई औषधियाँ हैं,
उनके पास में, तो दोबारा फिर वही सेम ही मेथड होता है। अब कहीं दूसरी किट किसी फार्मेसी के उन्होंने खरीद रखी है और उसमें हमारी कुछ औषधियाँ लेकर के अगर वो प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो दवाइयाँ कितना जो है उसमें अपना अच्छा असर दिखा पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का हमारा ये जो आपको एक रिफ्रेश समझें रिफ्रेश माइंड के लिए वीडियो लेक्चर था, आपको कैसा लगा इस विषय पर अपने जो है कमेंट्स फीडबैक ज़रूर दें। और आगे भी हम इस प्रकार की जानकारी जो है महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोनों ग्रुप के साथियों को देते रहेंगे और हमारे साथी से लाभ उठाते रहेंगे। और साथियों अब बुक हमारे पास जो है लगभग समाप्त हो चुकी हैं, जो बुकें हमें जितनी प्रिंट करवाई थी वो जा चुकी है, लगभग 10-12 बुकें अभी हमारे पास में केवल बची हुई हैं। जो साथी बुक लेने के इच्छुक है तो यहाँ रखी हुई है तो हम दे देंगे उनको, लेकिन समाप्त होने के बाद में नई छपवाने वाले हमें अभी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त साथियों हम एक विचार हमें और आया है कि जो हमारे ये वीडियो लेक्चर है हम इन सभी वीडियो लेक्चर्स को जो है एक पेन ड्राइव में इकट्ठा करने का जो है हमारा प्रयास है। तो ये वीडियो लेक्चर की जो पेन ड्राइव है आपके पास होगी तो आप कभी भी खोल करके इसको सुन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी हम इस काम में सफल हो जाएं और जल्दी ही आपके लोगों के बीच में जो है पेन ड्राइव भी हम ले करके आएंगे। जिस भी साथी को हमारे इसकी पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी तो वो ले सकता है, उसमें हमारे सभी जो है शुरुआत से लेकर के अब तक के जितने भी वीडियो लेक्चर है वो सभी उसके अंदर होंगे। जो भी वीडियो लेक्चर हो आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे।